और प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग पर। दोस्तों फाइनली देखिए हम लोग अपनी यात्रा को पूर्ण करके मिर्जापुर में आ गए हैं। इधर राहुल भाई पीछे खड़े हैं, उनके साथ में देखिए एक मित्र और भी हैं कलवारी से। फिलहाल आ गए हैं ट्रक की लाइफ को देखते हुए मिर्जापुर में, और उसके बाद ये देखिए तमाम ऐसी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। तो फिलहाल हम लोग मुँहकुचवा में हैं, यहीं पर मुँहकुचवा ही ट्रकों का जो हब है और यहीं पर बनती हैं जो बिगड़ी हुई गाड़ियाँ होती हैं, यहीं पर ज़्यादातर इनका काम होता है। फिलहाल सारे लोगों की गाड़ियाँ यहीं पर आकर के, जो इनकी कंपनी की गाड़ी है लगभग यहीं पर खड़ी है। तो ट्रक जो है उधर खड़ी हुई है, तब उतर लिए हैं। उतरने के बाद अब यहाँ से हम निकलेंगे घर के लिए। और अभी सुबह की बात करें तो अभी लगभग 6 बजा है, 6 बजे का टाइम अभी फ़िलहाल हो रहा है। और अभी देखिए इस सड़क पर काफ़ी सन्नाटा है, सुनसान है, काफ़ी कम ट्रैफिक है। लेकिन अभी 9-10 बजे के बाद इतनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है ये इस मुँहकुचवा पे, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पे मिस्त्री और काफ़ी सारे ट्रकें आ जाती हैं बनने के लिए। और तमाम ऐसी ट्रकें देखिए इधर अभी बहुत सारी ट्रकें जो हैं खड़ी भी हैं। तो चलिए, यात्रा तो काफ़ी ठीक ठाक रहा, एक्सपीरियंस जो मैं देखना चाह रहा था एक ट्रक लाइफ की क्या होती है ट्रक ड्राइवर की, तो उसको हमने देखा है और आपके बीच में शेयर भी किया है। और अभी यात्रा का पूरा वृत्तांत आपको बताने की कोशिश मैं करूँगा, तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। अब यहाँ से निकलेंगे हम घर के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा एक काम करना है कि राहुल भाई का अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, क्योंकि उनको भी लगा कि मैं भी अब यूट्यूब पर आऊँगा और यूट्यूब पर वीडियो शूट करूँगा। देखिए यही इनकी गाड़ी है, इस पर चल के कल थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है, अब मैं क्रिएट कर देता हूँ उनका भी चैनल। तो फिर यहाँ के बाद निकलूँगा मढ़ियान में, अपनी मैं बाइक वहीं पर खड़ी किया हूँ, फिर वहाँ से निकलूँगा घर के लिए। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइएगा। फिर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं मढ़ियान के लिए, क्योंकि अपनी जो गाड़ी है वहीं पर हम रखे हैं, वहाँ से फिर लेंगे घर पे, मतलब मढ़ियान भी घर ही है अपना, वहाँ से लेंगे फिर जाएंगे संत नगर। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आया इस सफ़र में, और मैं ट्रक की जर्नी देखने के लिए गया था और काफ़ी इन्जॉयफुल रहा हमारे लिए। तो बाकी आप लोगों को भी मैं वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा कैसा नहीं। चलिए अब यहाँ जल्दी से निकलते हैं घर के लिए। ये देखिए एकदम ट्रकों का यहाँ पे मेला लगा रहता है पूरा, देखिए कई सारी ट्रकें यहाँ पे बनने के लिए आती रहती हैं, क्योंकि एक शिफ्ट में जब भी इधर से ट्रक जाती है कोई भी लोड करके तो ज़रूर कुछ न कुछ काम आ ही जाता है। फाइनली देखिए गाड़ी आ गई है, रुपेश के साथ में जा रहे हैं घर, वहाँ से लेंगे अपनी बाइक हम, फिर उसके बाद हम निकलेंगे चंद्रनगर के लिए। इसके हम अपनी बाइक ले लिए हैं, अब यहाँ चल रहे हैं घर, यहाँ से 20 किलोमीटर जाना है घर। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से घर, क्योंकि अब काफ़ी थक भी गए हैं, जानते हैं ट्रक का सफ़र है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, जल्दी चलते हैं अब घर, घर दिखाते हैं। फाइनली देखिए घर पर आ गए, अब लगभग 7:30-8:30 का टाइम हो रहा है, घर पहुँचे हैं और मम्मी चले गए ड्यूटी। अब देखते हैं सोनेलाल क्या कर रहे हैं भाई। सोनेलाल दोस्तों देखिए मेरा सोनेलाल आ गया भाई, वो जस देखिए मुस्कुरा रहा है। कैमरा में आते मुस्कान शुरू। आ गया मेरा शेर, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोल दो, हेलो बोल दो, बाबू सबको हेलो बोल दो। कहते हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों काफ़ी जद्दोजहद के बाद देखिए घर पे आ गए, घर आने के बाद की जो फीलिंग होती है ना वो गजब की होती है। पूरा थकान मिट जाता है। देखिए कैसा आहा। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, हमें आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद है कि हमने काफ़ी ट्रेवलिंग करके सारा वीडियो शूट किया है और ये आज मेरा लास्ट वीडियो है फिलहाल और ट्रेवलिंग वाला। तो आप लोग ऐसे ही अपना दुलार प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार हेलो तो कर दो तुम भी।